एक आवाज तीन तलाक के लिए आई थी मान्यवर। मान्यवर कोई एक तलाक मानता है माने, कोई दो मानता है माने, कोई तीन मानता है माने, नहीं मानता है मत माने। मैं ये कहता हूं कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है, इस पर कुरान जो 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 हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं मान्यवर। और मैं एक बात और भी कह दूं, ये जो महिलाओं के बड़े हमदर्द बनते हैं, महिलाओं की बड़ी वकालत करते हैं, महिलाओं के दुख, उनके दर्द और उनकी तकलीफों के बारे में भी बताएं, सबरीमाला के बारे में बताएं, जो आखिर सबरीमाला में एक पैमाना और मुस्लिम तलाकशुदा औरतों के लिए दूसरा। मान्यवर मैं आधा मिनट लूंगा आपका। मुझे तो इस बात मान्यवर मुझे इस बात का भी अंदेशा है, मान्यवर मुझे इस बात का अंदेशा है, कहीं ऐसा ना हो देश अपने आप को शादी के बंधन से अलग कर ले। मान्यवर कहीं ऐसा ना हो कि शादी ब्याह निकाह और मंडप से लोग डरने लगे और हमारे यहाँ मान्यवर हमारे यहाँ शादी का रिवाज ही खत्म हो जाए और लिविंग रिलेशंस को लोग पसंद करने लगे। आइए अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को वापस लाएं और अपने रिश्तों को वापस लाएं और एक अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्पना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आवाज तीन तलाक के लिए आई थी मान्यवर। मान्यवर कोई एक तलाक मानता है माने, कोई दो मानता है माने, कोई तीन मानता है माने, नहीं मानता है मत माने। मैं ये कहता हूं कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है, इस पर कुरान जो 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 हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं मान्यवर। और मैं एक बात और भी कह दूं, ये जो महिलाओं के बड़े हमदर्द बनते हैं, महिलाओं की बड़ी वकालत करते हैं, महिलाओं के दुख, उनके दर्द और उनकी तकलीफों के बारे में भी बताएं, सबरीमाला के बारे में बताएं, जो आखिर सबरीमाला में एक पैमाना और मुस्लिम तलाकशुदा औरतों के लिए दूसरा। मान्यवर मैं आधा मिनट लूंगा आपका। मुझे तो इस बात मान्यवर मुझे इस बात का भी अंदेशा है, मान्यवर मुझे इस बात का अंदेशा है, कहीं ऐसा ना हो देश अपने आप को शादी के बंधन से अलग कर ले। मान्यवर कहीं ऐसा ना हो कि शादी ब्याह निकाह और मंडप से लोग डरने लगे और हमारे यहाँ मान्यवर हमारे यहाँ शादी का रिवाज ही खत्म हो जाए और लिविंग रिलेशंस को लोग पसंद करने लगे। आइए अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को वापस लाएं और अपने रिश्तों को वापस लाएं और एक अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्पना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।